ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच प्रीमियम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की जिन पर अभी बहुत तगड़ा पोटेंशियल बचा हुआ है, क्योंकि मार्केट जो है अभी बॉटम में है और बिटकॉइन थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सेंटिमेंट्स बुलिश शो कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था। ऑल्दो चांसेस इन सारे कॉइन्स में, यानी जो भी पांच कॉइन्स में रिवील करने वाला हूँ, ये बहुत स्ट्रांगली डेवलप्ड हैं और अच्छी खासी बैकिंग है इनकी, और ये सारे कॉइन फ्यूचरिस्टिक हैं, ठीक है, यानी फ्यूचर में कहीं ना कहीं इनकी आगे फर्दर जो है वो डिमांड बढ़ने वाली है। तो इन पांच प्रोजेक्ट में अगले एक साल के अंदर आपके कैपिटल को एटलीस्ट 10x करने तक का पोटेंशियल अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं सारी टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक, माय नेम इज गिरीश और आप देख रहे हैं लास्टली स्पोकन। सो गाइस, इस लिस्ट में पांचवें नंबर का टोकन है, यानी कॉइन है, यह है लाइट कॉइन LTC। अब देखिए, LTC का मैं यहां पर टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो बहुत लंबे चौड़े स्विंग्स आए हैं इसमें। देखिए, 2018 में लगभग प्राइस $370 के आसपास था, उसके बाद बहुत स्ट्रांगली क्रैश हुआ और लगभग $25 के आसपास से लगभग $30 के आसपास ट्रेड हुआ था, क्योंकि इस टाइम पर क्रिप्टो मार्केट में जो पैसा लगा था, जो मार्केट कैप थी, वो बहुत कम था, ठीक है। तो वही अगर मैं 2021 के स्पाइक की बात करूं तो इस टाइम पर क्रिप्टो का मार्केट कैप लगभग $4 trillion के आसपास पहुंच चुका था, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्रिप्टो मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आना संभव, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि 2018 में क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल वैल्यू लगी थी वो बहुत कम थी इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स सेलर्स बड़े हैं, पैसा ज़्यादा इन्वेस्टेड है, उसके बाद भी ये स्पाइक आना सडनली, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्यूचर में। और अगर मैं कॉइन की बात करूँ तो बहुत स्ट्रांग कॉइन है, कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से top 10 में आता है ये। इसमें हमारा जो SIP स्ट्रैटेजी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये वीकली टाइम फ्रेम है, एक बार मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडिसिजन कैंडल और उसके बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल जो कि ऊपर क्लोज हुई है। तो कुल मिला के बाइंग सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। अब एक महीने से लगातार प्राइस इस जोन पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा था, तो अब चांसेस ये हैं कि जैसे ही बिटकॉइन लिफ्ट करता है तो ये मोस्ट लाइकली लिफ्ट करने के चांसेस हैं, क्योंकि वॉल्यूम अभी इंक्रीज नहीं हुआ है। एक बार वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो फिर इस प्राइस में हमें ये नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी $127 के आसपास ट्रेड हो रहा है और बहुत ही स्ट्रांग कॉइन है फंडामेंटली, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये टेक्निकल्स भी कह रहे हैं कि हमें जो है इसमें कुछ होल्डिंग रखनी चाहिए, आपके जो भी आपका पोर्टफोलियो, तो उसमें से कुछ परसेंटेज आप लाइट कॉइन के लिए जो है वो बचा के रख सकते हैं, या फिर लाइट कॉइन को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में अभी। सो इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर आता है पोलका डॉट। इन्होंने अपना लोगो चेंज किया था रिसेंटली जब इनका एक पैराचेन ऑक्शन चल रहा था। और एक चीज़ और थोड़ा सा नेगेटिव हुई, जब भी पैराचेन का ऑक्शन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर बिटकॉइन बहुत एक्सट्रीमली ड्रास्टिकली क्रैश हुआ था, तो वही रीज़न था कि इसके न्यूज़ का ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा नहीं। एक स्पाइक ये जो आया था लगभग ऑल टाइम हाई बना के आ चुका है $55 का, जो कि बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कॉइन है और इसके पीछे बैकिंग अच्छी खासी है। जो इनके फाउंडर हैं उनका इथेरियम के साथ अच्छे खासे रिलेशन है, इनफैक्ट इथेरियम से बहुत पुराना रिलेशन भी रहा है उनका। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ वैसा ही मॉर्निंग स्टार कैटलिस्टिक पैटर्न सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, जो कि एक बुलिश सिग्नल का जो है एक इंडिकेशन है। तो लास्ट टाइम जब मैंने बाय किया था पोलकाडॉट तो वो लगभग यहाँ पर $14 के आसपास मैंने बाय किया था। ये जो विक वाली कैंडल आपको दिख रही है आज से 1.5 साल पहले यहाँ पर, उसके बाद ये रैली बहुत ही स्ट्रांग आई थी, आप देख सकते हैं यहाँ से फिर प्राइस ने नीचे देखा ही नहीं था। लगभग 250% का गेन यहाँ पर दिया था। तो उसके बाद अभी मैं कह सकता हूँ अच्छा खासा एक पुल बैक आया हुआ है और अपॉर्चुनिटी है बाई करने की, बहुत सॉलिड कॉइन है फंडामेंटली। आने वाले समय में हो सकता है कि ये एक आध साल में $200-$300 भी लिफ्ट कर सकता है, इतना पोटेंशियल है इसके पास, क्योंकि डॉट जो है वो पैराचेन ऑक्शन में होल्ड हो रखे हैं बहुत ज़्यादा।
अगर डॉट होल्ड होते हैं तो उनकी जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। फिलहाल मार्केट सेंटिमेंट्स बेकार थे इसलिए यहाँ पर हमें ये क्रैश दिखा था, लेकिन डॉट के लिए अभी भी मैं बुलिश हूँ और फिलहाल जिस प्राइस में आपको मिल रहा है ये $23 के आसपास, ये बहुत कम है। ऑल्दो ये यहाँ पर देखा जाए तो लगभग $14 के आसपास ट्रेड हो चुका है आज से लगभग 2 या 3 वीक पहले, तो यहाँ से इतना वॉल्यूम अभी जनरेट हुआ नहीं, अभी वॉल्यूम वैसा आया नहीं जैसा एक्सपेक्टेड है। एक बार बुलिश होता है बिटकॉइन और ऑल्ट में जो बुल रन है वो अगर आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये स्पाइक, ये जो भी यहाँ पर 200% की जो ऑल टाइम हाई के आसपास है यहाँ से, तो ये ऑल्दो 2-3 वीक में ही कवर कर सकता है, इतना पोटेंशियल है इसमें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर अभी कुछ आइडिया है तो डॉट के लिए भी आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर स्पेस रखिए, अच्छा कॉइन है, फ्यूचरिस्टिक कॉइन है, ठीक है। सो गाइस इस लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है यूनिस्वैप का टोकन। यूनिस्वैप जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इथेरियम नेटवर्क पर बना हुआ है और नंबर 1 प्लेस रखता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्ट में, तो इसका ऑल टाइम हाई अगर देखें तो बहुत अच्छा खासा है, लगभग $44-45 के आसपास हिट करके आ चुका है ये। एंड ऑल टाइम लो की बात करें तो इस चार्ट में हो सकता है कि ऑल टाइम $2 के आसपास दिखा रहा है, उससे भी कम हो। ये ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा चार्ट लेट अपडेट होता है, ऐसा कुछ है। अभी रिसेंट लो की बात करूं तो लगभग $7 के आसपास, $7.5 के आसपास ट्रेड होके आ चुका है, और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर पिछले 2 महीने से तो यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। अब देखें कि जब भी मार्केट क्रैश होती है ना, क्रैश होने के बाद एकदम से लिफ्ट नहीं करती, उसके बाद कुछ समय के लिए प्राइस कंसोलिडेट होती है, वही एक टाइम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्राइस कंसोलिडेट हुआ उसके बाद लिफ्ट किया, तो ये फेज जो है अभी कंसोलिडेशन का है, जो ये सिग्नल्स दे रहा है, ये इनडिसिजन कैंडल यानी एक बुलिश एक स्पिनिंग बॉटम सा यहां पर बना के, अगली जो कैंडल है ये कैंडल सम हुआ हो सकता है इससे ऊपर क्लोज होती है तो फिर और एक बुलिश सेंटिमेंट यहां पर क्रिएट होते हैं। तो कुल मिला के टेक्निकली देखा जाए तो यहां से लगभग ऑल टाइम हाई को मैं देखूं तो लगभग 280% के आसपास का अभी पोटेंशियल है। मैं केवल ऑल टाइम हाई को ले रहा हूं इसको, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में हमारा जो मार्केट कैप है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, बहुत बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, लोग पैसा लगा रहे हैं अंधाधुंध, तो उसको देखते हुए ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट दैट कि एक स्पाइक आए और 2-3 महीने के अंदर आपको ये प्राइस जो भी आपको यहाँ पर $10 या $11 में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है टोकन, तो आने वाले 1-2 साल में हो सकता है कि $100 के आसपास जो है आपको दिखे, इतना पोटेंशियल है इसके पास। क्यों? क्योंकि इथेरियम नेटवर्क पर है, इथेरियम का बैकग्राउंड जो है वो तो आपको पता ही है, 2nd नंबर का कॉइन है पूरे क्रिप्टो मार्केट में। दूसरा, इथेरियम का जो नेटवर्क है वो एनहेंस किया, मतलब इम्प्रूव किया जा रहा है इथेरियम 2.0 के हिसाब से, जिसमें कि जो गैस फीस होती है उसकी वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी इनिशियल नेटवर्क में, उस पर भी उन्होंने काम करना स्टार्ट करा है। लेट्स सी, एक बार वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यूनिस्वैप में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो बहुत ड्रास्टिकली बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। अगर ऐसा होता है तो उसका जो टोकन है कैप्टिव टोकन, ऑब्वियसली उसके प्राइस बढ़ने स्टार्ट होंगे। तो यही रीज़न है कि यूनिस्वैप का टोकन बहुत पोटेंशियल रखता है अपने पोर्टफोलियो में, आप इसको ज़रूर ऐड करें जो भी आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से। सो इस लिस्ट में अगला कॉइन हमारे पास है शिबा इनू का। शिबा इनू के पास बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है, मार्केट में रूल किया था इसने कुछ समय के लिए, यहां पर देख सकते हैं वीकली कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। दुनिया का ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है, ऐसी कोई भी एक्सचेंज नहीं जहां पर ये लिस्ट ना हुआ उस टाइम पर, हर किसी के पास जो है शिबा इनू को बाय करने की होड़ मची थी, तो इसलिए दुनिया के जितने भी टॉप एक्सचेंजेस हैं वहां पर आपको मोस्ट लाइकली ये आपको मिलेगा शिबा इनू का टोकन। तो यही रीजन है कि फॉलोइंग अच्छी खासी है, ट्विटर्स में इनके मिलियंस फॉलोअर बन चुके हैं, और फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि स्टार्टिंग जो करी थी इन्होंने केवल एज अ मीम कॉइन करी थी, उसके बाद इन्होंने अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज खोला, उसकी बैकिंग के लिए फर्दर जो इनके सिस्टर टोकन हैं जिसमें
लीश है, बोन है, ये कॉइन निकाले और उसके बाद ये मेटावर्स में एंटर होने वाले हैं या हो चुके हैं फिलहाल, एंड NFT में ये जो है काम कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा गेमिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। कुल मिला के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट बना के रख दिया उन्होंने और यही रीज़न है कि श्रीवा इनू फिलहाल इतना फेड नहीं हुआ है। ऑल्दो जो स्पाइक था वो बहुत सारे लोगों ने मिस किया हो सकता है और बहुत सारे लोगों ने इसको कैच भी किया होगा, लगभग 1000% के आसपास ये पुश था, लेकिन अगर आपने नहीं कर पाए उस टाइम पर इसको कैच, तो अब ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको फिलहाल ग्रैब कीजिए और सस्ते पे आपको मिल रहा है। जैसे बुलिश सेंटिमेंट्स आते हैं मार्केट में, शिबा इनू जो है आपको सबसे ऊपर भागता हुआ नजर आएगा, ठीक है। उसके पीछे है इसकी जो स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, जो नेटवर्क बन चुका है, जो लोग इसको पसंद करते हैं, और दूसरा दुनिया के टॉप एक्सचेंजेस में इसका लिस्ट होना। सो इस लिस्ट में नंबर वन पे हमारे पास कॉइन है, वो है पैनकेक स्वैप, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ऑल टाइम हाई जो देखा जाए यहां पर लगभग $45 के आसपास ट्रेड हो चुका है, जो कि अभी रिसेंटली 2021 अप्रैल में हुआ था, एक साल पहले। और लो की बात करें तो इसने ऑल टाइम लो को भी नीचे तोड़ दिया है। अगर मैं यहां पर देखूं ट्रेडिंग व्यू में, तो इसका ऑल टाइम लो जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था लगभग $8 के आसपास। ऑल्दो इससे नीचे हुआ था ये, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में मुझे चार्ट में नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल इसने जो अभी रिसेंट लो बनाया था वो लगभग $5 के आसपास बनाया था, जो कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी इसको बाई करने की, ठीक है। और ये मंथली टाइम फ्रेम है और एक बुलिश एनगोल्फिंग कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है इस पर्टिकुलर टोकन में। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसमें कितना पोटेंशियल है वो मैं आपको यहां पर बता दूं। वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिख रहा है हमें, एक मारुबुजू सा कैंडल दिख रहा है यहां पर, कोई भी विक नहीं है, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल बिटकॉइन जिस तरह से बुलिश साउंड कर रहा है, तो ये चांसेस हैं कि बहुत जल्दी लिफ्ट करेगा। अब बात करते हैं कितना पोटेंशियल है इसमें। अगर मैं ऑल टाइम हाई को ही अगर इसका नेक्स्ट पोटेंशियल कंसिडर करूं, तो यहां से लगभग 350 लगभग 364% अभी और बाकी है लिफ्ट करना कि ये ऑल टाइम हाई को रीच करे। फिलहाल ये ऑलरेडी अगर देखा जाए ऑल टाइम लो से, अभी फिलहाल जो लो चल रहा था वहां से लगभग 70% लगभग 80% जो है लिफ्ट हो चुका है ऑलरेडी। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा सॉलिड कॉइन रखना चाहते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और अच्छी खासी इसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे खासे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यूनिस्वैप के बाद सेकंड नंबर पे जो नाम आता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में वो है पैनकेक स्वैप। सो यही रीज़न है कि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और जितने भी नए प्रोजेक्ट जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो है बनते हैं तो वो यहां पर लिस्ट होते हैं। सो इसीलिए पैनकेक स्वैप जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं हो सकता है कि यूनिस्वैप को भी जो है बीट करे। सो ये रहा इसका बैकग्राउंड एग्जैक्टली क्यों ये मेरा फेवरेट है। और एक चीज़ और है जो मैं इसको फेवरेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, वो है इसका स्टेकिंग परसेंटेज। इसका जो इंटरेस्ट मिलता है स्टेकिंग में बहुत हाई है। अगर आप केक को बाइनेंस में भी अगर आप स्टेक करेंगे तो वहाँ पर लगभग आपको मंथली अगर एक महीने के लिए लॉक करते हैं तो 42% के आसपास का इनका जो है इंटरेस्ट जो इनकी कैलकुलेशन होती है वो मिलती है आपको। पूरी जो भी मैंने क्रिप्टो करेंसीज देखी जो कि बाइनेंस में स्टेक हो रही हैं उसमें जो है टॉप में फॉल करते हैं ये, और ऐसा नया प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो अगर आप स्टेक करके भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कुछ केक खरीद के उसको आप होल्ड कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं बाइनेंस में या फिर पैनकेक स्वैप की अपनी साइट पे, तो उसमें आपको जो है मंथली आपको उसका इंटरेस्ट मिलते रहेगा। और फर्दर आने वाले समय में केक के लिफ्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसका रीज़न है कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, और आपको पता ही है बाइनेंस दुनिया का नंबर वन एक्सचेंज है और उसके स्मार्ट चेन में जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो सबसे पहले पैनकेक स्वैप पे ही लिस्ट होते हैं। सो गाइज ये रहे 5 प्रीमियम प्रोजेक्ट जिन पे अगर आपका अभी प्लान है इन्वेस्टमेंट का तो ये बहुत सही टाइम है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का, और बुलिश सेंटिमेंट दिख रहे हैं। तो इन 5 प्रोजेक्ट में आप कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो का अमाउंट रखिए, ये सॉलिड है फंडामेंटली और फिलहाल मैंने टेक्निकली भी आपको चार्ट में दिखा दिए हैं, ठीक है।
वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।